सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को अपने पीसी या लैपटॉप सिस्टम में कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कई तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने पीसी या लैपटॉप सिस्टम में कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद आप लोगों को इसके सर्च बार पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिखना है कैपकट डाउनलोड फॉर पीसी, या डाउनलोड के बाद पीसी लिख सकते हो तभी चलेगा। एंड अब इंटर करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट शो होगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है। नीचे आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा एंड इसी वेबसाइट के जस्ट नीचे कैपकट का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। बट जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट नहीं चलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। बट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कैपकट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, वो भी इंस्टॉल ऑप्शन के साथ। और अगर आप लोग इस इंस्टॉल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर ओपन होगा। बट यहाँ पर कहीं भी आपको कैपकट सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इसके सर्च बार से इस ऐप को टाइप करके खोजना चाहोगे तब भी नहीं पाओगे। तो ये सॉफ्टवेयर इन जगहों पर हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में बैन है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर जाके आप इजीली इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। और उस वेबसाइट के अलावा भी हमारे पास और ऑप्शन है जिसे हम यूज करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तो जैसे हम इसका नाम सर्च करते हैं और हमें पहले नंबर पर जो वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है इसका यूज कर सकते हो। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कैपकट ऐप का डाउनलोड लिंक देखने को मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर फाइल सीआर वेबसाइट पर जाके इस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करोगे तो वहाँ भी आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इजिली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो इन ऑप्शन में से आप कहीं से भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। बट इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर के सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको अपडेट लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। सिंपली अपडेट पर क्लिक करके इसे अपडेट कर लेना। तो कुछ इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने सिस्टम में इजीली कैपकट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।